आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। विजय देवरकोंडा एक ऐसा सितारा है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं काफ़ी गड़बड़ा गई थी। पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित उनकी फिलहाल फिल्म लाइगर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिल्म में काफ़ी देरी हो रही है। दूसरी ओर विजय देवरकोंडा की एक और टाइटल निर्देशक सुकुमार के साथ काम करने की प्लानिंग है, जो कि कुछ प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। उनके संयोजन में एक फिल्म की घोषणा पिछले साल बहुत प्रचार के साथ की गई थी। प्रोजेक्ट के मुताबिक फिल्म 2022 में फ्लोर पर आएगी। सुकुमार ने अचानक अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा को दो भागों में विभाजित करने का फैसला किया है, क्योंकि कहानी में इतनी गुंजाइश है। सुकुमार पुष्पा के दो हिस्सों को बैक टू बैक फिल्माना चाहते थे और 2022 की गर्मियों तक अपना काम खत्म करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के नायक अल्लू अर्जुन का कहना अलग है। अल्लू अर्जुन पुष्पा के पहले भाग को इस साल सितंबर तक पूरा करना चाहते हैं और फिल्म को 2021 में ही रिलीज करना चाहते हैं। इसके बाद वह आइकन नाम की एक और फिल्म खत्म करेंगे और पुष्पा 2 की शूटिंग पर लौट आएंगे। अल्लू अर्जुन का विचार है कि भाग 2 का फिल्मांकन शुरू करने से पहले पुष्पा भाग 1 बॉक्स ऑफिस परिणाम देखें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।